दोस्तों अलबरूनी का हमारे प्यारे भारत से भी एक बहुत ही गहरा संबंध है। दरअसल सन 1017 में इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान इसने मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान से भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की यात्रा की थी और यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशन से प्रभावित होकर तारीख अल हिंद या हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी जो कि एक्चुअल में एक निबंध और इसमें अलबरूनी साहब ने चर्चा की है भारतीय अवधारणाओं, यहाँ के ट्रेडिशंस और यहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके अलावा इसने हमारे पुराणों और भगवद गीता से प्रभावित होकर उनका फारसी में अनुवाद भी किया है। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग दोस्तों अलबरूनी एक बहुत ही निष्पक्ष यानी कि इम्पार्शियल राइटर था जिसने एकदम निष्पक्ष रूप से बहुत से देशों और उनकी कल्चर का अपने लेखों में वर्णन किया है। अलबरूनी की इसी स्कॉलर प्रतिभा और 11वीं सदी के भारत की रिमार्केबल डिस्क्रिप्शन के कारण उसे अल उस्ताद की उपाधि भी प्रदान की गई।